हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था और टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो बहुत सारे बच्चों ने दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको दो एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी और एक आपको टेस्ट की लिंक मिलेगी। तो काफ़ी सारे लड़के ने वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल किया कि सर हमको नहीं पता कैसे डिस्क्रिप्शन में जाएं और कैसे आपका लिंक पाएं। तो उनको मैं पर्सनली सेंड तो कर दिया, बट हाँ, इसके लिए मैं सोच ये रहा हूँ कि जैसे मैं कोई भी लिंक अगर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आपको अगर वो चाहिए तो क्या करें। तो जैसे अभी मेरी ये वीडियो चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब अपने आप वीडियो के नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, ठीक। उसके जस्ट इस साइड देखिए, ठीक, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक निशान होगा, कुछ इस तरीके का एक निशान होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। नीचे अगर आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे मैं लिंक दिया हूँ बहुत सारा, और उससे आप नोट्स बना सकते हैं और टेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, टेस्ट जो लोग दिए, ठीक, उनका एक और क्वेश्चन था कि सर इसमें से एक क्वेश्चन जो था ऐसा है, उसका आंसर 6 आना चाहिए, बट आप जैसे सबमिट किए तो वहाँ पे 7 आंसर सही दिखा रहा है। तो इसका भी कन्फ्यूजन है, हम दूर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन था इसमें, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 50 है, ठीक, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताइए। मतलब दो मिरर है, प्लेन मिरर है, समझिए बात को, दो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जो है वो एंगल पे कितने पे रखा गया है, 50 पे। तो थीटा की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वो जो प्लेन मिरर है वो कैसा रखा गया है, बिल्कुल सीधा रखा गया है, मतलब 50 एंगल पे थोड़ा सा उसको झुकाया गया है। आगे ये बोल रहे हैं कि उनके बीच इमेज, टोटल इमेज कितनी होगी। तो उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यही तो है। अब बस इसी को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 50 माइनस 1। हाँ, अगर आप भागा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.2 माइनस 1। अब इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपका आ जाएगा 6.2, ठीक। तो आपके जो ऑप्शन होगा उसमें एक 6 दिया है, एक 7 दिया है, एक और कुछ दिया होगा। तो इसमें से मैक्सिमम जो लड़के हैं वो 6 लगाए हैं, ठीक। करेक्ट आंसर आपका है 7। मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो आपका आया है आंसर, ठीक, अगर ये पूर्णांक हो, ठीक, मतलब पूरी तरीके से अगर एक नॉर्मल अंक है तब तो सही है, और अगर दशमलव में हो, ठीक, पॉइंट वगैरह में हो, तो उसके अगला वाला हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6.2 लिखा है इसको हम क्या लिख देते हैं, 7, ठीक। तो ये रहा हमारा आंसर जो कि सही है। तो यहाँ इस चीज़ में बहुत सारे लड़के जो हैं वो कन्फ्यूज हो गए थे, तो कन्फ्यूज मत होइए, आप इसको देखते रहिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है उसको हम पहले जान लेते हैं, ठीक। इसमें ये है कि टू मीडियम्स है, एक रेयरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा। अब रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। रेयरर जो होता है, जैसे आपका हो गया एयर, ठीक, जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हों, तो और जिसके पास पास होंगे उसको हम डेंसर कहेंगे। तो अगर जो है वायु और पानी का हम ले लेते हैं, तो जो आपका वाटर है, ठीक, वाटर पानी, वो डेंसर होगा, और जो हवा है वो रेयरर होगा, ठीक। तो जो लाइट रेज है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो अपना उसका पाथ है, उसका जो रास्ता है, उससे वो डेविएट हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब अगर जो प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। मतलब लाइट रेज जो है वो यहाँ से आ रही है वन मीडियम से, इसको हम मान लेते हैं पहला मीडियम है, चाहे जो मान लीजिए इसको, तो ये पहला मीडियम है और ये क्या है, दूसरा मीडियम। तो वन मीडियम से ट्रेवल करके अगर दूसरे मीडियम पे आती है, ठीक,
ठीक, तो अपने जो इसका जो पाथ है उससे क्या होती है, डेविएट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये रहा हमारा पहला माध्यम और ये रहा हमारा दूसरा माध्यम। तो जो लाइट रेज है, अगर वो वन मीडियम से चल रही है और दूसरी मीडियम में पहुंच रही है, अपने मार्ग से मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जब ये यहाँ पे देखिए, ये रेरर मीडियम है, मतलब विरल माध्यम है। तो जब ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये हवा है, ठीक, एयर है, और ये क्या है आपका, वाटर है। तो रेरर क्या हो गया, एयर हो गया, और ये जो आपका वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो रेरर से डेंसर में जब लाइट रेज जो है वो रेरर से डेंसर में आएगी, ठीक, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मतलब किधर डेविएट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। और अगर ये देखिए, यहाँ पे ये डेंसर है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डेंसर, और ये क्या है, रेरर। और जो लाइट रेज है वो कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेरर जा रही है। अगर डेंसर टू रेरर जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अगर जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर ये जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, आप इसको नोट कर सकते हैं। सो हो गया होगा। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रेज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की किरण जब जाती है तो अपने पाथ से डेविएट क्यों हो जाती है, मतलब अपने जो मार्ग है उससे क्यों मुड़ जाती है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि हमने आपको बताया था कि बताइए जरा स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है एयर में। तो आपका आंसर होगा, ठीक, 3 × 10⁻¹ पर सेकेंड, है ना, 3 × 10⁻¹ पर सेकेंड, कहाँ पे, एयर में। अच्छा, अगर हम पूछे कि चलो ये यहाँ पे वाटर में बताइए, तो आपका आंसर होगा 2.5 × 10⁸ पर सेकेंड। तो देखिए कुछ क्या अंतर आ रहा है, कुछ यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी है, ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई, मतलब एयर में जो स्पीड है लाइट की वो ज़्यादा है और जो पानी में कम चलती है, मतलब वाटर में जो इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि ये जो आपका लाइट रेज आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, तिरछा, ध्यान से समझिएगा, जो लाइट रेज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तिरछा, बिल्कुल तिरछा, बिल्कुल तिरछा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे हम सोच रहे हैं यार, इसको सीधा चला जाना चाहिए था, ये वाली लाइन पकड़ के, है ना, और ये कहाँ से, यही से टर्न कर लिया ऐसा, तो ऐसा हुआ क्यों, फिर से देख लेते हैं। इसको आप बहुत बड़े लेवल पे देखिए, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और बड़े लेवल पे देखिए कि मान लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा देखते रहिएगा आप, थोड़ा सा डीप में जाके हम देखते हैं, ये लाइट रेज जो है वो आ रही है, आ रही है, जैसे यहाँ टकराएगी इसके सरफेस पे, इसके बॉर्डर पे क्या होगा, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या करेगी, ये सीधा नहीं जाएगी। ठीक, आपका ये ऐसे है तो ये थोड़ा सा इसके साइड में मुड़ जाएगी, मतलब यहीं से क्या कर लिया इसने, टर्न कर लिया। कैसे कर लिया, अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से देखिए टर्न कर लिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसी ट्रैक्टर है, ठीक, ट्रैक्टर है और चल रही है, तो इस साइड भी ब्रेक है और इस साइड भी ब्रेक है, मान के चलिए, तो आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो अगर आप ट्रैक्टर की इस साइड ब्रेक मारेंगे तो ये वाला पहिया चलता रहेगा, ये रुक जाएगा, और अगर आप इस साइड ब्रेक मारेंगे तो ये चलता रहेगा, ये रुक जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आप फुल स्पीड में है, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज लेके जा रहे हैं, है ना, अब क्या हुआ, अचानक से आपने इधर ब्रेक मार दिया, ये वाला पहिया स्पीड से जा ही रहा है, और इधर आपने क्या कर दिया, धीरे से ब्रेक मार दिया, क्या होगा, आपका ट्रैक्टर जो है यूं मुड़ जाएगा, फिर से सुनिए, यूं मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे ये जो लाइट रेज है
जो लाइट रेज है वो आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे में थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो किनारा है वो तो पहुँचने वाला है, ठीक सरफेस पे पहुँच गया, बट ये वाला जो किनारा है अभी इतनी दूरी पे है ना। अब जैसे ही स्पीड यहाँ पे, मतलब अभी भी ये हवा में है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये कहाँ टच करेगा, वाटर में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2.5, मतलब कमी आ गई स्पीड में, इसकी स्पीड में कमी, मतलब यहाँ पे ट्रैक्टर ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन ये तो उसी स्पीड से चल रहा है। अब देखते हैं, तो ये इसका ब्रेक लग गया और ये उसी स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, अचानक से इस साइड मुड़ जाएगा, अचानक से किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ जाएगा, है ना। इसको जाना चाहिए था ऐसा, एक ब्रेक मार दिया तो घूम गया, ठीक। आप इसको फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं, बस आज की लेक्चर में बस सिर्फ इतना ही कि भाई आप ये तैयार कर लो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक, क्या होता है, रेयरर टू डेंसर में जाता है तो क्या होता है, तो सारी चीज़ें आप फिर से देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, टेस्ट भी आप देते रहिए, ठीक, थैंक यू।